सेक्टर 20 जामा मस्जिद में भाजपा द्वारा बनाई गई कमेटी का आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शादाब राठी ने बताया कि जामा मस्जिद पहले वक्फ बोर्ड के द्वारा संचालित की जा रही थी, मगर कुछ साल पहले वक्फ बोर्ड की कमेटी बंद कर दी गई। पुरानी कमेटी भी भंग कर दी गई थी, अभी नई कमेटी बनानी थी। इसी दौरान कुछ मुस्लिम भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गुपचुप तरीके से मस्जिद की कमेटी बना दी गई, जिस कमेटी में से सभी भाजपा के कार्यकर्ता ही शामिल किए। हैरानी की बात तो यह है कि जब कमेटी बनाई गई तो वहां के इमाम साहब को भी इस बात का कुछ पता नहीं। वहीं आज सुबह मुस्लिम नौजवानों ने भाजपा द्वारा बनाई गई कमेटी का विरोध किया। उन्होंने आग्रह किया कि जो भाजपा द्वारा गुपचुप तरीके से कमेटी बनाई गई है, इसे तुरंत प्रभाव से भंग किया जाए और वक्फ बोर्ड की कमेटी शुरू की जाए, और जब तक सही तरीके से मस्जिद की कमेटी नहीं बना दी जाती तब तक मस्जिद की जिम्मेदारी वहां के इमाम साहब मौलाना अजमल साहब को दी जाए। शादाब राठी ने कहा कि यह भाजपा सरकार की बड़ी शर्मनाक बात है। अब भाजपा सरकार धर्म स्थलों पर भी राजनीति करने लगी है। प्रदर्शन में शामिल हुए शादाब राठी, पार्षद जसवीर सिंह लाडी, कुलदीप ढोलर, दमनप्रीत बादल, हरजिंदर सिंह बाबा, राकेश सोनी, देशराज, हाजी आबिद, अमीर आलम, नदीम सिद्दीकी, इमरान शाहिद, आबिद खालिद, शाहनवाज नदीम, रकीब, हाजी कादिर, सरताज जमीर, सुनील यादव, वीरू, भूषण शर्मा आदि। चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेक्टर 20 स्थित मस्जिद में एक कमेटी गठित कर दी जाती है और जिसमें उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है शामिल किया जाता है। इसका विरोध साफ तौर पर जो है मुस्लिम समुदाय द्वारा किया जा रहा है। सेक्टर 20 मस्जिद के बाहर खड़े हैं, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर शादाब राठी जी। शादाब जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से कमेटी जो बनाई गई है उसको भंग करने की जिस तरीके से बात की जा रही है आपके द्वारा? ये जो भाजपा सरकार है, एक नफरत की राजनीति पूरे देश में फैला रखी है और अब ये मस्जिद मंदिरों के गुरुद्वारों के अंदर भी अपने पैर जमाना चाह रही है। ये हमारी सेक्टर 20 की जो जमा मस्जिद है, शाही मस्जिद है हमारी, ये चंडीगढ़ की सेंटर है और सबसे बड़ी मस्जिद यही है जमा मस्जिद। इसमें ये वक्फ बोर्ड के अंडर में है, इन्होंने अब तक वक्फ बोर्ड की कमेटी तक नहीं बनाई, ना बनने देते, और अचानक हमें पता चलता है कि यहाँ की इन्होंने कमेटी तैयार कर ली। उसमें जब मेंबरों का पता चला तो उसमें सारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं और कोई पता ही नहीं है, और कौन बंदा कोई भी मस्जिद का जिम्मेदार बंदा नहीं है भाजपा के कार्यकर्ताओं के अलावा, और समर्थक हैं दो तीन जो बंदे हैं उन्हें इनलीगल तरीके से इस कमेटी में डाल लिया गया। अब हमारा विरोध ये इसी चीज़ का है कि ये कमेटी भंग की जाए। DC साहब से हमारा यही है कि इस कमेटी को भंग करें और एक जिम्मेदार बंदों की कमेटी बनाई जाए और वो जो मस्जिद के इमाम साहब हैं हमारे मौलाना अजमल साहब, उनके हाथ में दी जाए। वो जिम्मेदार बंदों के नाम देंगे जो यहाँ नमाजी हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, वो उनके नाम देंगे, तब एक कमेटी अच्छी सी तैयार की जाए जो शहर के जिम्मेदार बंदे हैं, ना कि पूरी माइनॉरिटी भाजपा के अंडर में आती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये 2-4-10 बंदे जो भाजपा से जुड़े हुए हैं उनको इन्होंने इस कमेटी में डाल दिया, तो ये गलत हो रहा है। शादाब जी, कोई राय ली गई जो नमाज पढ़ने आते हैं यहाँ पे जो मौलाना है उनसे कोई राय ली गई जो कमेटी बनाने से? यहाँ पे जो हमारे मौलाना अजमल साहब हैं, मस्जिद के इमाम हैं, वो 30-40 साल से, उनसे ही नहीं पूछा गया, सीधा एक लेटर आया है कि DC साहब ने साइन कर दिए और यहाँ की कमेटी तैयार कर दी है। और ये देखिए अरुण सूद जी को, ये जो भाजपा के अध्यक्ष है अरुण सूद जी, इनको सम्मानित करने भी पहुँच गए कि आपका एहसान है आपने ये कमेटी तैयार की। तो ये अरुण सूद जी कौन होते हैं कमेटी तैयार करने वाले? और इनमें जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने, कई बंदों ने यहाँ के रेडी फड़ी वालों से 2-2 हज़ार रुपये जो इकट्ठे किए हैं यहाँ पे उनके लाइसेंस बनवाने के नाम पे, इनलीगल तरीके से उनसे 50-60 हज़ार रुपये इकट्ठे किए थे पिछले साल, वो भी वो खा गए। तो जो ऐसे लोग इस कमेटी में हैं वो अगली बार कमेटी के मेंबर बनने के बाद क्या इस मस्जिद का भला कर देंगे या किसी और का भला कर देंगे? कल को यहाँ पे जो चंदा इकट्ठा होता है, जो दान देते हैं लोग, जो मस्जिद के कार्यों में भी लगता है, कल को वो उसमें भी घपला करेंगे, उसमें भी घपलेबाजी करेंगे। तो हमारा विरोध यही है कि इस कमेटी को भंग किया जाए। शादाब जी, अगर एक कमेटी भंग नहीं की जाती, आपकी मांगे पूरे नहीं होते, तो अगला रुख क्या होगा? अगला रुख हमारा, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, अगला रुख जो हमारी पार्टी का होता आया है आज तक अपने हक लेने के लिए, हम धरने देंगे, उग्र प्रदर्शन करेंगे। ये तो एक तानाशाही है कि चुपचाप इनलीगल तरीके से आप कमेटी बना दो, कोई बोलने वाला तो है नहीं, कांग्रेस और भाजपा दोनों इसमें शामिल हैं, कभी कांग्रेस के अंडर में जाती है तो कभी भाजपा के अंडर में जाती है, कभी उसकी सरकार आती है वो तानाशाही चलाती है, अब ये है तो ये तानाशाही चला रही है। मैं ना एक गल
दसना चाह रहा भी राजनीति ते धर्म ये दोनों अलग अलग ने। जिहड़ा बंदा धर्मी हुंदा जिवें साडे विच कहिंदे आ वी नितनेमी हुंदा और इन्हां दे विच कहिंदे जिहड़ा नमाजी हुंदा जिहड़ा अपने वक्त ते नमाज पढ़दा अदा करदा उस अल्लाह दा जिहड़ी दरगाह दे विच इबादत करदा ओह चीज़ां ओह बंदियां नूं इन्हां दे विच मैंबर होना चाहिए। क्योंकि जदों गल आ जाती है धर्म की तो बड़िया चीज़ा होंदिया ने, चाहे चंदे नूं लैके होवन, चाहे किसी लई आपां स्कूल कॉलेज, क्योंकि इहदे विच वधिया कम होने चाहिए ने जिहड़े आपां धर्म के कम कहिंदे आ, लंगर वध तों वध होने चाहिए ने। तो अगर कोई राजनीतिक बंदे इहदे विच इनवॉल्व कर दिते जांदे ने तां इहदे विच धर्म की लड़ाई पैदा हो जाती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी शुरू तो करती आ रही है धर्म की राजनीति। सो इहदे बिल्कुल असी खिलाफ़ हैं। असी यह चाहते हाँ भी ये जिहड़े मौलाना साहब ने उन्हां नाल मिल के इत्थे कमेटी तैयार की जाए, जिहड़े इबादत करन वाले बंदे ने, जिहड़े इत्थे नमाज़ पढ़न वाले बंदे ने, तां ही वो इस दरगाह दे नमाज़ पढ़न वालिआं दी भले लई इत्थे कम कर सकदे ने। सो राजनीति नूं धर्म तों दूर रखना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर 47 से पार्षद लाडी जी भी मौजूद है। लाडी जी, जिस तरीके से आप यहाँ पर प्रदर्शन पर पहुँचे हैं, क्या कुछ कहना है आपका? सरेआम पता ही लग रहा है, कमेटी का जो मेन मकसद होता है संचालन करने का मंदिर का, गुरुद्वारे का या मस्जिद का, वो वहाँ के हेड ऑफ द, जैसे हमारे सरदारों में ग्रंथी होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है, वो कमेटी को अप्रूव करता है, उसके बाद डीसी उसको एग्री करता है। और यहाँ पे उल्टा हो रहा, भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को बता रहा है कि ये हमारे मस्जिद के सेवादार हैं और हम इनकी कमेटी बना रहे हैं, और जो यहाँ सेवा कर रहे हैं, दिन रात आ रहे हैं, सुबह शाम आ रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, उनसे पूछे नहीं जा रहा भी आप क्या 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 कर रहे हो यहाँ पे। यानी इसका मतलब है भाजपा 2024 के इलेक्शन को देखते हुए उन्होंने अपने कार्यकर्ता यहाँ पे काबिज कर दिए हैं कि यहाँ से वोट ले सके, दूसरा इनका कोई काम नहीं है। इन्होंने पहले मंदिर को निशाना बनाया, गुरुद्वारों को, अब मस्जिद में भी घुस गए हैं कि यहाँ से भी हमें वोटें मिल जाएं। इनका कोई मकसद नहीं है किसी से इसका। ये तो अगर आज कहते हैं ना कि हम RSS के एजेंडे पे चल रहे हैं, हम वो है, ये तो मंदिरों से भी नफरत करते हैं, इन्होंने मंदिरों के अंदर भी नफरत पैदा कर दी है BJP ने। अब भाई मस्जिद के बीच में आ गए, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम भाइयों के साथ खड़े हैं, चाहे हमें DC ऑफिस घेरना पड़े जाके। धन्यवाद। तस्वीरों में चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित जामा मस्जिद के बाहर जो मुस्लिम समुदाय है वो इस कमेटी का जो है विरोध जता रहे हैं और साफ तौर पर कमेटी भंग करने की भी मांग की जा रही है। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी विनय के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।